الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार कश्ती उम्मत के खे बनहार हम सब के मालिक व मुख्तार अनीसे बेकसा दर्द मंदा चार साजा सयाह लामका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा जब बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। करबला के वाक़े से तो हर बंदा वाकिफ है और हर साल मुहर्रम के महीने में करबला के बयान भी सुने जाते हैं जो बाइसे बरकत है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम भी करबला का बयान अपने अगले वीडियो में सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की केवल करामात ही सुनाएंगे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरापा करामत थे, हत्ता कि आपकी विलादत व सआदत भी वाकरामत है। सैयदना इमाम हुसैन की विलादत व सआदत 5 शाबानुल मुअज्जम 4 सिन हिजरी को मदीनाए मुनव्वरा में हुई। हजरत सैयदी आरिफ बिल्ला नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी शवाहिदुन नबुव्वत में फरमाते हैं कि इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुद्दत हमल 6 माह है और हजरत सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिंदा ना रहा जिसकी मुद्दत हमल 6 माह हुई हो। सुभान अल्लाह, ये करामत पैदाइश के वक्त ही जाहिर है। आपका मुबारक नाम हुसैन, कुनियत अबू अब्दुल्ला और अलकाब सिबते रसूलुल्लाह और रहान तुर रसूल यानी रसूल के फूल है। तभी मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इमाम हुसैन के फजाइल में हम आपको आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 फरमान भी सुनाते हैं जिसमें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। और दूसरे फरमान में फरमाते हैं कि हसन व हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। तीसरे फरमान में आप फरमाते हैं कि हसन व हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। और चौथे फरमान में आप फरमाते हैं कि हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की शान ये थी
कि जब अंधेरे में तशरीफ फरमा होते तो आपकी मुबारक पेशानी और दोनों मुकद्दस रुखसार यानी गाल से अनबार निकलते और कुर्ब व जवार ज़ियाबार यानी अतराफ रोशन हो जाते। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में हजरत सैयदना इब्ने मुती से मुलाकात हुई। उन्होंने अर्ज की मेरे कुएं में पानी बहुत कम है, बराहे करम दुआए बरकत से नवाज दीजिए। आपने उस कुएं का पानी तलब फरमाया। जब पानी का डोल हाजिर किया गया तो आपने मुंह लगाकर उसमें से पानी नोश किया यानी पिया और कुल्ली की। फिर डोल को वापस कुएं में डाल दिया तो कुएं का पानी काफी बढ़ भी गया और पहले से ज्यादा मीठा और लजीज भी हो गया। के बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। हजरत सैयदना इमाम हुसैन की खिदमत में एक शख्स ने अपनी तंग दस्ती यानी गुर्बत की शिकायत की। आपने फरमाया थोड़ी देर बैठ जाओ। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हजरत सैयदना अमीरे मुआविया की तरफ से एक एक हजार दिनार यानी सोने के सिक्कों की पांच थैलियां आपकी बारगाह में पेश की गई। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने वो सारी रकम उस गरीब आदमी के हवाले कर दी और इस करम नवाजे के बावजूद ताखीर पर माजरत भी फरमाई। या शहीद करबला फरियाद है नूर चश्मे फातिमा फरियाद है, ऐ मेरी हाजत मैं तैबा में मरूं ऐ मेरे हाजत रवा फरियाद है। इमाम आली मकाम इमाम अर्श मकाम इमाम हमाम इमाम तिशना काम हजरत सैयदना इमाम हुसैन यौम आशूरा यानी बरोज जुमतुल मुबारक 10 मुहर्रमुल हराम 61 सने हिजरी को यजीदियों पर इतमाम हुज्जत यानी अपनी दलील मुकम्मल करने के लिए जिस वक्त मैदान करबला में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे उस वक्त आपके मजलूम काफिले के खेमों की हिफाजत के लिए खंदक में रोशन करदा आग की तरफ देखकर एक बदजवान यजीदी मालिक बिन उरवा इस तरह बकवास करने लगा, ऐ हुसैन तुमने वहां की आग से पहले यही आग लगा दी। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा तू झूठा है, क्या तुझे ये गुमान है कि माजल्ला मैं दोजख में जाऊंगा। इमाम अली मकाम के काफिले के एक जानसार हजरत सैयदना मुस्लिम बिन औसजा ने हजरत इमाम अली मकाम से उस मुफ्त बदलगाम के मुंह पर तीर मारने की इजाजत तलब की। हजरत इमाम अली मकाम ने यह फरमाकर इजाजत देने से इनकार किया कि हमारी तरफ से हमले का आगाज नहीं होना चाहिए। फिर इमाम तिशना काम यानी प्यासे इमाम ने दस्ते दुआ बुलंद करके अर्ज की, ऐ रब्बे कहार इस नाबकार यानी शरीर को अजाब नार से कबल भी इस दुनिया नापायदार में आके अजाब में मुब्तला फरमा। फौरन दुआ मुस्तजाब यानी कबूल हुई और उसके घोड़े का पांव जमीन के एक सुराख पर पड़ा जिससे घोड़े को झटका लगा और बेअदब बागुस्ताख यजीदी घोड़े से गिरा। उसका पांव रिकाब में उलझा, घोड़ा उसे घसीटता हुआ दौड़ा और आग की खंदक में डाल दिया और बदनसीब आग में जलकर भस्म हो गया। इमाम अली मकाम ने सजदाए शुक्र अदा किया, हमदे इलाही बजा लाए और अर्ज किया, अल्लाह करीम तेरा शुक्र है कि तूने आले रसूल के गुस्ताख को सजा दिया। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाही अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। गुस्ताख व बदलगाम यजीदी का हाथों हाथ भयानक अंजाम देख कर भी बजाय इबरत हासिल करने के इसको एक इत्तेफाकी अम्र समझते हुए एक बेबाक यजीदी ने बका, आपको अल्लाह करीम के रसूल से क्या निस्बत है। ये सुनकर कलबे इमाम को सख्त ईजा पहुंची और तड़प कर दुआ मांगी, ऐ रब्बे जब्बार इस बद गुफ्तार यानी बुरा बोलने वाले को अपने जाल में गिरफ्तार कर।
दुआ का सरहा तो हाथ जाहिर हुआ। उस बकबासी को एकदम कजाए हाजत की जरूरत पेश आई। फौरन घोड़े से उतरकर एक तरफ को भागा और बरहना यानी नंगा होकर बैठा। नागा यकायक एक सिया बिच्छू ने डंक मारा। नजासत आलूदा तड़पता फिरता था। न्यायधी जिल्लत के साथ अपने लश्करियों के सामने उस बदजवान की जान निकली। मगर उन संग यानी पत्थर दिलों और बेशर्मों को इबरत न हुई। इस वाक़े को भी उन लोगों ने इत्तेफाकी अमर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। अली के प्यारे खातू ने क़यामत के जिगर पारे, जमी से आसमां तक धूम है इनकी सियादत की। यजीदी फौज का एक सख्त दिल शख्स इमाम अली मकाम के सामने आकर यूं बकने लगा। देखो तो सही, दरिया फरात कैसा मौजे मार रहा है। खुदा की कसम तुम्हें इसका एक कतरा भी नहीं मिलेगा और तुम यूं ही प्यासे हलाक हो जाओगे। इमाम तिश्नकाम ने बारगाह रब्बुल अनाम में अर्ज की, या रब इसको प्यासा मार। इमाम अली मकाम के दुआ मांगते ही उस बेहया का घोड़ा बिदक कर दौड़ा। वह पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। प्यास का गलबा हुआ यानी जोर की प्यास लगी, इस शिद्दत की प्यास लगी कि अल अतश यानी हाय प्यास पुकारता था। मगर पानी जब उसके मुंह से लगाते थे तो एक कतरा भी पी ना सकता था, यहाँ तक कि इसी शिद्दत प्यास में तड़प तड़प कर मर गया। हाँ मुझको रखो याद, मैं हैदर का पिसर हूँ और बागे नुबुव्वत के शजर का मैं समर हूँ। मैं दीदाए हिम्मत के लिए नूरे नजर हूँ, प्यासा हूँ मगर साकी कौसर का पिसर हूँ। इमाम अली मकाम की शान अली किस कदर अजमत वाली है, मालूम हुआ कि खुदा बंदे गफूर को इमाम पाक की बेअदबी कतअन बिल्कुल ना मानी और आपका वदगो दोनों जहां में मर्दूद मतरूद यानी धुतकारा आ रहा है। गुस्ताखान हुसैन को दुनिया में भी दर्दनाक सजाओं का सामना हुआ और इसमें यकीनन बड़ी इबरत है। सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी बाद गुस्ताखान हुसैन के हाथों हाथ होने वाले इबरतनाक बद अंजाम के बाकियात नकल करने के बाद तहरीर फरमाते हैं कि फरजंदे रसूल को ये बात भी दिखा देनी थी कि उसकी मकबूलियत बारगाह हक पर और उनके कुर्बो मंजिलत पर, जैसे कि नसूस कसीरा व अहादीस शहीरा शाहिद यानी बहुत सारी दलीलें और मशहूर हदीसें गवाह हैं, ऐसे ही इनके खवारिज व करामात भी गवाह हैं। अपने इस फजल का अमली इजहार भी इतमाम हज्जत दलील पूरी करने के सिलसिले की एक कड़ी थी। अगर तुम आँख रखते हो तो देख लो कि जो ऐसा मुस्तजाब दावात यानी जिसकी दुआ कबूल होती है उसके मुकाबले में आना खुदा पाक से जंग करना, इसका अंजाम सोच लो और बाज रहो। मगर शरारत के मुजस्समे से भी सबक ना ले सके और दुनिया नापायदार यानी कमजोर दुनिया की हिर्स का भूत जो उनके सरों पर सवार था उसने उन्हें अंधा बना दिया। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद आपके सरे मुनब्बर से यानी सरे मुनब्बर से मुतअद्दद यानी कई करामात का जोर हुआ। इमाम अली मकाम का सरे अनवर रुजवाए जमाना यजीदी बदबख्त खौली बिन यजीद के पास था। वो रात के वक्त कूफा पहुंचा। कसरे इमारत का दरवाजा बंद हो चुका था। ये सरे अनवर को लेकर अपने घर आ गया। जालिम ने सरे अनवर को बेअदबी के साथ जमीन पर रख कर एक बड़ा बर्तन उस पर उलट कर उसको ढांप दिया और अपनी बीबी नवार के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए जमाने भर की दौलत लाया। वो देख हुसैन बिन अली का सर तेरे घर पर पड़ा है। वो बिगड़ कर बोली, तुझ पर खुदा की मार, लोग तो सीमोजर यानी चांदी और सोना लाएं और तू फरजंदे रसूल का मुबारक सर लाया। खुदा की कसम अब मैं तेरे साथ कभी ना रहूंगी। नवार ये कहकर अपने बिछौने से उठी और जिधर सरे अनवर तशरीफ फरमाता उधर आकर बैठ गई। उसका बयान है, खुदा की कसम मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से बर्तन तक मिसले सुतून चमक रहा था और सफेद परिंदे उसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे। जब सुबह हुई तो खौली बिन यजीद सरे अनवर को इब्ने ज़ियाद बदबद निहात के पास ले गए। बहारों पर हैं आज आराइशे गुलजारे जन्नत की, सवारी आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की।
दुनिया की मोहब्बत और माल और ज़र की हबस इंसान को अंधा और अनजान से बेखबर कर देती है। बदबख्त खौली बिन यजीद ने दुनिया ही की मोहब्बत की वजह से मज़लूम करबला का सरे अनवर तन से जुदा किया था, मगर चंद ही बरस के बाद इस दुनिया ही में उसका ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ कि कलेजा कांप जाता है। चुनाचे चंद ही बरस के बाद मुख्तार सख्ती ने कातिलाने इमाम हुसैन के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई की, उस जुम्मन में सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते, मुख्तार ने हुक्म दिया कि करबला में जो शख्स लश्कर यजीद के सिपा सालार अम्र बिन साद का शरीक था वो जहां पाया जाए मार डाला जाए। यह हुक्म सुनकर कूफा के जफाशियार सूरमा जालिम बना इंसाफ बहादुर बसरा भागना शुरू हुई। मुख्तार के लश्कर ने उनका ताकुब किया, यानी कि पीछा किया, जिसको जहां पाया खत्म कर दिया, लाशें जला डाली, घर लूट लिए। खौली बिन यजीद वो खबीस है जिसने हजरत इमाम अली मकाम से दुना इमाम हुसैन का सर मुबारक तने अकदस से जुदा किया था। यह रूसिया भी गिरफ्तार करके मुख्तार के पास लाया गया। मुख्तार ने पहले इसके चारों हाथ पैर कटवाए, फिर सूली पर चढ़ाया, आखिर आग में झोंक दिया। इस तरह लश्कर ने साथ के तमाम अशआर को तरह तरह के अजाबों के साथ हलाक किया। 6000 कूफी जो हजरत इमाम अली मकाम के कत्ल में शरीक थे, उनको मुख्तार ने तरह तरह के अजाबों के साथ हलाक कर दिया। सहाबी रसूल हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम का बयान है, जब यजीदियों ने हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के सर अनवर को नेजे पर चढ़ाकर कूफा की गलियों में गश्त किया, उस वक्त मैं अपने मकान के बालाखाने यानी ऊपर वाले हिस्से पर था। जब सर मुबारक मेरे सामने से गुजरा तो मैंने सुना कि सर पाक ने पारा 15 सूरतुल कैफ की आयत नंबर 9 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। इसी तरह से एक दूसरे बुजुर्ग ने फरमाया कि जब यजीदियों ने सरे मुबारक को नेजे से उतार कर इब्ने ज़ियाद बदनिहात के महल में दाखिल किया तो आपके मुकद्दस होंठ हिल रहे थे और ज़बान अक़दस पर पारा 13 सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 42 की तिलावत जारी थी, जिसका तर्जुमा है, और हरगिज अल्लाह को बेखबर ना जानना जालिमों के काम से। इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, सरे शब्बीर तो नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना मिनहाल बिन अम्र कहते हैं, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब इमाम हुसैन के सरे अनवर को लोग नेजे पर लिए जाते थे, उस वक्त मैं दिमश्क में था। सरे मुबारक के सामने एक शख्स सूरतुल कैफ पढ़ रहा था जब वो आयत नंबर 9 पर पहुंचा, जिसका तर्जुमा है, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थी। उस वक्त अल्लाह करीम ने कुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत बख्शी तो सरे अनवर ने बाज़बाने फसीह फरमाया, असहाबे कैफ के वाक़े से मेरा शहीद होना और मेरे सर को लिए फिरना अजीबता है। सर शहीदाने मोहब्बत के नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने अदर शाने अहले बैत। सदरुल फाज़िल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अपनी किताब सवाने करबला में यह कायद नकल करने के बाद फरमाते हैं, दर हकीकत बात यही है, क्योंकि असहाबे कैफ पर काफिरों ने जुल्म किया था और हजरत इमाम अली मकाम को उनके नाना जान की उम्मत ने मेहमान बनाकर बुलाया, फिर बेवफाई से पानी तक बंद कर दिया। आलो अजवा आलो असहाब को हजरत इमाम पाक के सामने शहीद किया, फिर खुद हजरत इमाम अली मकाम को शहीद किया, अहले बैत किराम को असीर यानी कैदी बनाया, सरे मुबारक को शहर शहर कराया। साहबे काफ साला साल की तवील नींद के बाद बोले, ये ज़रूर अजीब है मगर सरे अनवर का तने मुबारक से जुदा होने के बाद कलाम फरमाना अजीब था। यजीद पलीत के नापाक लश्करी जब सैयदना इमाम हुसैन के सरे मुबारक को लेकर चले और पहली मंजिल में ठहर कर नबीस यानी खजूर का शीरा पीने लगे, और एक रिवायत में है कि वो शराब पीने लगे, तो इतने में एक लोहे का कलम नमोदार हुआ और उसने खून से ये शेर लिखा, क्या हुसैन के कातिल ये भी उम्मीद रखते हैं कि रोज़े कयामत उनके नाना जान की शफात पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे।
दूसरी रिवायत में है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बिसते शरीफा यानी ऐलान नबुव्वत से 300 बरस पहले ये शेर एक पत्थर पर लिखा हुआ है। एक नसरानी राहिब यानी क्रिश्चियन इबादत गुजार ने गिरजाघर से सरे अनवर देखा तो लोगों से पूछा, उन्होंने बताया, राहिब ने कहा, तुम बुरे लोग हो, क्या 10,000 अशर्फियां लेकर इस पर राजी हो सकते हो कि एक रात ये सर मेरे पास रहे। उन लालचियों ने कबूल कर लिया। राहिब ने सरे मुबारक धोया, खुशबू लगाई, रात भर अपनी रान पर रखे देखता रहा, एक नूर बुलंद होता पाया। राहिब ने वो रात रो कर काटी, सुबह इस्लाम लाया और गिरजाघर उसका मालो मता छोड़कर अपनी जिंदगी अहले बैत की खिदमत में गुजार दी। दौलत दीदार पाई पाक जाने बेच कर, करबला में खूब ही चमकी दुकाने अहले बैत। यजीदियों ने लश्कर इमाम अली मकाम और उनके खैमों से जो दिरहम और दिनार लूटे थे और जो राहिब से लिए थे उनको तकसीम करने के लिए जब थैलियों के मुंह खोले तो क्या देखा कि वो सब दिरहम और दिनार ठीकरियां बने गए थे और उनके एक तरफ पारा 13 सूरह इब्राहिम की आयत 42 लिखी हुई थी। इसका तर्जुमा है, और हरगिज़ अल्लाह पाक को बेखबर ना जाना जालिम के काम से। और दूसरी तरफ पारा 19 सूरत शौरा की आयत नंबर 227 लिखी थी, इसका तर्जुमा है, और अब जाना चाहते हैं जालिम किस करवट पर पलटा खाएंगे। तहरीर थी, तुमने उजाड़ा हजरतें जहरा कबू सिता, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बददुआ मिली, रुसवाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए, मर्दूद हो तुमको जिल्लत हर दो सरा मिली। ये कुदरत की तरफ से एक दर से इबरत था कि बदबख्तों, तुमने इस फानी दुनिया की खातिर दीन से मुंह मोड़ा और आले रसूल पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा। याद रखो, दीन से तुमने सख्त बेपरवाही बरती और जिस फानी व बेवफा दुनिया के हसूल के लिए ऐसा किया वो भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, और तुम दुनिया में भी नुकसान और आखिरत में भी नुकसान का मिज़दाद होगा। दुनिया परस्तों दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें दुनिया मिली, न ऐशो तरब की हवा मिली। तारीख शाहिद है कि मुसलमानों ने जब कभी अमलन दीन के मुकाबले में इस फानी दुनिया को तरजीह दी है तो इस बेवफा दुनिया से भी हाथ धो बैठे, और जिन्होंने इस फानी दुनिया को लात मार दी और कुरान और सुन्नत के अहकामात पर मजबूती से कायम रहे और दीनों ईमान से मुंह नहीं मोड़ा बल्कि अपने किरदार और अमल से ये साबित किया। सर कटे कुंबा मरे सब कुछ लुटे, दामने अहमद ना हाथों से छूटे, तो दुनिया हाथ बांध कर उनके पीछे पीछे हो गई और वो दारैन यानी दोनों जहानों में सुरखरू यानी कामयाब हुए। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बहु इस दर का हुआ, बो की इस दर का हुआ, बल्कि खुदा उसकी हुई, बो की इस दर से फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। इमाम अली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन के सरे अनवर के मदफन के बारे में यानी कि उनके दफन होने की जगह के बारे में इख्तलाफ है। तबकात इब्ने साद में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सरे अनवर को जन्नतुल बकी शरीफ में हजरत सैयदना फातिमा जहरा के पहलू में दफन कर दिया गया। बास का कहना है करबला में सरे अनबर को जसद मुबारक से मिलाकर दफन किया। बास कहते हैं कि यजीद ने हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन के सरे अनबर को शहरों में फिराओ। फिराने वाले जब अस्कलान पहुंचे तो वहां के अमीर ने उनसे लेकर दफन कर दिया। बास कहते हैं कि जब अस्कलान पर फरंगियों यानी यूरोपियों का गलबा हुआ तो तलाए बिन रुज़ैक जिसको साले कहते हैं ने 30,000 दीनार देकर फरंगियों से सरे अनबर लेने की इजाज़त हासिल की, और मैं फौज व खुदाम नंगे पांव वहां से 8 जमादुल आखिर 548 सिनहजरी बरोज इतवार मिस्र में लाया। उस वक्त भी सरे अनवर का खून ताज़ा था और उससे मुश्क की खुशबू आती थी। फिर उसने सब्ज हरीर यानी हरे रंग के रेशम की थैली में आब मूसी कुर्सी पर रख कर उसके हम वजन मुश्को अंबर और खुशबू उसके नीचे और इर्द गिर्द रखवा कर उस पर मशहद हुसैनी बनवाया जो काहिरा मिस्र में खान खलीली के करीब मशहूर है। अलबत्ता ये जो कहा गया है कि सरे मुबारक अस्कलान या काहिरा में दफन है, अल्लामा कुर्तुबी वगैरह ने इसका इनकार किया है। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है,
दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल फत्ताह बिन अबू बकर बिन अहमद शाफ़ी खलबती अपने रिसाले नूर अल ऐन में नकल फरमाते हैं, शेख अल इस्लाम शम्सुद्दीन लकानी जो कि अपने वक्त के शेख उश्शूख मालिकिया थे, हमेशा कायरा मिस्र में खान खलीली के करीब मशहद मुबारक में सर अनबर की ज्यारत को हाजिर होते और फरमाते कि हज़रत इमाम अली मकाम का सर अनबर इसी मकाम का है। हज़रत सैयदना इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि एक बार मैं और हज़रत शेख सहाबुद्दीन बिन जल्बी हनफी ने मशहद हुसैनी की ज्यारत की, उन्हें शुबा हो रहा था कि सर मुबारक इस मकाम पर है या नहीं। अचानक मुझको नींद आ गई, मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स बसूरत नकीब सर मुबारक के पास से निकला और हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम के हुजरा मुबारक में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अहमद बिन जल्बी और अब्दुल वहाब ने आपके शहजादे इमाम हुसैन के सर मुबारक के मदफन की ज्यारत की। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, इन दोनों की ज्यारत को कबूल फरमा और दोनों को बख्श दे। उस दिन से हजरत शेख सहाबुद्दीन हनफी ने मरते दम तक सर मुकर्रम के मदफन की ज्यारत न छोड़ी और ये फरमाया करते थे, मुझे यकीन हो गया कि हजरत इमाम अली मकाम का सर अनवर यहीं काहिरा मिस्र में खान खलीली के करीब तशरीफ फरमा। इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। हजरत सैयदना अबुल हसन तमार सर अनबर की जियारत के लिए जब मशहद मुबारक के पास हाजिर होते तो अर्ज करते, अस्सलाम अलैकुम, और इसका जवाब सुनते, व अलैकुम सलाम या अबल हसन। एक दिन सलाम का जवाब न पाया, हैरान हुए और ज़ियारत करके वापस आ गए। दूसरे रोज़ फिर हाजिर होकर सलाम किया तो जवाब आया, अर्ज़ किया, सैयदी, कल जवाब से मुशर्रफ ना हुआ, क्या वजह थी? फरमाया, ऐ अबुल हसन, कल इस वक्त मैं अपने नाना जान रहमत आलम यहाँ से बातों में मशगूल था। सुभान, जुदा होती हैं जाने जिस्म से जाना से मिलते हैं, ओए करबला में गर्म मजलिस वसलो फरकत की। शेख करीमुद्दीन खलबती फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से इस मकाम की ज़ियारत की। इसी मंजर पे हर जानिब से लाखों की निगाहें हैं, इसी आलम को आँखों तक रही है सारी खलकत की। मिस्र के सुल्तान मलिक नासिर को एक शख्स के मुतअल्लिक इत्तला दी गई कि यह शख्स जानता है कि इस महल में खजाना कहाँ दफन है मगर बताता नहीं। सुल्तान ने उगलवाने के लिए उसकी तहजीब यानी अजियत देने का हुक्म दिया। मुतवल्ली तहजीब यानी अजियत देने पर मामूर शख्स ने उसको पकड़ा और उसके सर पर खनाफिस गुबरीले लगाए और उस पर किरमिस यानी एक तरह के रेशम के कीड़े डालकर कपड़ा बांध दिया। ये वो खौफनाक अजियत बाकूबत है कि इसको एक मिनट भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका दिमाग फटने लगता है और वो फौरन राज उगल देता है, अगर ना बताए तो कुछ ही देर के बाद तड़प तड़प कर मर जाता है। ये सज़ा उस शख्स को कई मरतबा दी गई मगर उसको कुछ भी असर ना हुआ, बल्कि हर मरतबा खनाफिस मर जाते थे। लोगों ने इसका सबब पूछा तो उस शख्स ने बताया कि जब हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक यहाँ मिस्र में तशरीफ़ लाया था, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसको अकीदत से अपने सर पर उठाया है, उसी की बरकत और करामत है। फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाएं दोस्त ने, खून से सींचा गया है गुलस्तान अहले बैत। एक रिवायत यह भी है कि सर अनवर यजीद पलीत के खजाने ही में रहा। जब बनु उमैया के बाद बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर हुकूमत 96-99 हिजरी आया और उनको मालूम हुआ तो उन्होंने सर अनवर की ज्यारत की सआदत हासिल की। उस वक्त सर अनवर की मुबारक हड्डियां सफ़ेद चांदी की तरह चमक रही थी। उन्होंने खुशबू लगाई और कफन देकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। चेहरे में आफ्ताब नबुव्वत का नूर था, आँखों में शान सौलत सरकार बुतरा। हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी मक्की रिवायत फरमाते हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए।
देखा कि शहंशाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात यानी लुत्फ व करम फरमा रहे हैं। सुबह उन्होंने हजरत सैयदना हसन बसरी से ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने फरमाया, शायद आपने आले रसूल के साथ कोई भलाई की। अर्ज की, जी हाँ, मैंने हजरत सैयदना इमाम अली मक्का इमाम हुसैन के मुबारक सर को खजाना यजीद में पाया तो उसे कफन देकर अपने रुफका के साथ उस पर नमाज पढ़कर उसको दफन किया। हजरत सैयदना हसन बसरी ने फरमाया, आपका यही अमल सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी का सबब हुआ। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दें, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। खतीब पाकिस्तान बाईज़ शीरी बयान हजरत मौलाना अलहाज अलहाफिज मोहम्मद शफी औकाड़वी अपनी तालीफ शाम करबला में तहरीर फरमाते हैं। सर अनवर के मुतअल्लिक मुख्तलिफ रवायतें और मुख्तलिफ मकामात पर मशाहिद बने हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि इन रिवायत और मशाहिद का ताल्लुक चंद सरों से हो, क्योंकि यजीद के पास तमाम शहदाए अहले बैत के सर भेजे गए थे, तो कोई सर कहीं और कोई कहीं दफन हुआ और नस्बत हसन अकीदत की बिना पर या किसी और वजह से सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की तरफ दी गई। हजरत सैयदना अबू मोहम्मद सुलेमान आमश कूफी ताबई फरमाते हैं, मैं हज बैतुल्लाह के लिए हाजिर हुआ। दौरान तबाब एक शख्स को देखा कि गिलाफ काबा के साथ चिमटा हुआ कह रहा था, या अल्लाह पाक मुझे बख्श दे, और मैं गुमान करता हूँ कि तू मुझे नहीं बख्शेगा। मैं उसकी इस अजीब सी दुआ पर बहुत मुतअज्जिब हुआ कि सुभान अल्लाह अजीम, आखिर इसका ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी बख्शिश की इसको उम्मीद। मगर मैं तबाफ में मसरूफ रहा, दूसरे फेरे में भी सुना तो वो यही कह रहा था। मेरी हैरानी में मजीद इजाफा, मैंने तबाफ से फारिग होकर उससे कहा, तू ऐसे अजीम मकाम पर है जहाँ बड़े से बड़ा गुनाह भी बख्शा जाता, तो अगर तू अल्लाह करीम से मगफरत और रहमत तलब करता है तो उससे उम्मीद भी रख, क्योंकि वो बड़ा रहीम करीम है। उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे तू कौन है? मैंने कहा, मैं सुलेमान आमश हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक तरफ ले गया और कहने लगा, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैंने कहा, क्या तेरा गुनाह पहाड़ों आसमानों ज़मीनों और अर्श से ही बड़ा है? कहने लगा, हाँ मेरा गुनाह बहुत ज़्यादा बड़ा है। अफसोस है सुलेमान, मैं उन 70 बदनसीब आदमियों में से हूँ जो हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सर अनवर को यजीद पलीद के पास लाए। यजीद पलीद ने उस मुबारक सर को शहर के बाहर लटकाने का हुक्म दिया, फिर उसके हुक्म से उतारा गया और सोने के तश्त में रखकर उसके सोने के कमरे में रखा। आधी रात के वक्त यजीद पलीद की जौजा की आँख खुली तो उसने देखा कि इमाम अली मकाम के सरे अनबर से लेकर आसमान तक एक नूरानी शुआ जगमगा रही है। ये देखकर वो सख्त खौफ ज़दा हुई और उसने यजीद पलीद को जगाया और कहा, उठ कर देखो, मैं एक अजीब व गरीब मंजर देख रही हूँ। यजीद ने भी उस रोशनी को देखा और खामोश रहने के लिए कहा। जब सुबह हुई तो उसने सरे मुबारक निकलवा कर दीवाए सब्ज एक उम्दा किस्म के सब्ज कपड़े के खेमे में रखवा दिया और उसकी निगरानी के लिए 70 आदमी मुकर्रर कर दिए, मैं भी उनमें शामिल था। फिर हमें हुक्म हुआ, जाओ खाना खाओ। जब सूरज ग़ुरूब हो गया और काफ़ी रात गुजर गई तो हम सो गए। मैंने देखा कि आसमान पर एक बड़ा बादल छाया हुआ है और उसमें से गड़गड़ाहट और परों की फड़फड़ाहट की सी आवाज़ आ रही है। फिर वह बादल करीब होता गया, यहाँ तक कि ज़मीन से मिल गया और उसमें से एक मर्द नमूदार हुआ जिस पर जन्नत के दो हुल्ले थे और उसके हाथ में एक फर्श और कुर्सियाँ थीं। उसने वो फर्श बिछाया और उस पर कुर्सियाँ रख दी और पुकारने लगा, ऐ अबुल बशर, ऐ आदम, तशरीफ़ लाई। एक नहायत हसीन और जमील बुजुर्ग तशरीफ़ लाए और सरे मुबारक के पास खड़े होकर फरमाया, सलाम हो तुझ पर ऐ अल्लाह के वली, सलाम हो तुझ पर ऐ वक़ियतुस सालिहीन, जिंदा रहे तुम सईद होकर, शहीद हुए तुम तरीद यानी खलफ होकर, प्यासे रहे हत्ता कि अल्लाह पाक ने तुम्हें हमसे मिला दिया। अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए और तुम्हारे कातिल के लिए बख्शिश, तुम्हारे कातिल के लिए कल कयामत के दिन दोजख का बहुत बड़ा ठिकाना है। ये फरमाकर वो उन कुर्सियों में से एक कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद एक और बादल आया, वो भी इसी तरह ज़मीन से मिल गया और मैंने सुना कि एक मुनादी ने निदा की, ऐ नबी अल्लाह, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तशरीफ़ लाइए।
नागा एक साहिब बजात जर्दी माइल चेहरे वाले बुजुर्ग दो जन्नती हुल्ले पहने हुए तशरीफ लाए और उन्होंने भी वही अल्फाज इरशाद फरमाए और एक कुर्सी पर बैठ गए। फिर एक और बड़ा बादल लाया और उसमें हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह नमदार हुए, उन्होंने भी वही कलिमात फरमाए और एक कुर्सी पर बैठ गए। इसी तरह हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह और हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाए और इसी तरह के कलिमात इरशाद फरमाकर कुर्सियों पर जलवा अफरोज हो गए। फिर एक बहुत ही बड़ा बादल आया, उसमें से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना बीवी फातिमा और हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा और मलाइका नमूदार। पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने सर अनवर के पास तशरीफ ले गए और सर मुबारक को सीने से लगाया और बहुत रोए। फिर हजरत सैयदना बीवी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दिया, उन्होंने भी सीने से लगाया और बहुत रोई। फिर हजरत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहि सलाम ने नबी रहमत ताजदार रसालत सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के पास आकर यूं ताज़ियत की, सलाम हो पाकीज़ा फितरत व खसलत वाले पाक फरजंद पर, अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाए और आपके शहजादाए गिरामी हुसैन के इस इम्तिहान में अहसन यानी बेहतरीन सब्र दे। इसी तरह हजरत सैयदना नूह नजीउल्लाह हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह हजरत सैयदना और हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने भी ताज़ियत फरमाई। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने चंद कलिमात इरशाद फरमाए। फिर एक रिश्ते ने अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के करीब आकर अर्ज की, ऐ अबुल कासिम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, हमारे दिल पाश पाश यानी टुकड़े टुकड़े हो गए, मैं आसमान दुनिया पर मुबक्कल हूँ। अल्लाह करीम ने मुझे आप सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की इताअत यानी जैसा फरमाएं वैसा करने का हुक्म दिया है। अगर आप मुझे हुक्म फरमाएं तो मैं इन लोगों पर आसमान ढा दूं, इनको तबाह बर्बाद कर दूं। फिर एक और फरिश्ते ने आकर अर्ज की, ऐ अबुल कासिम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, मैं दरियाओं पर मुवक्कल हूं, अल्लाह पाक ने मुझे आपकी इताअत का हुक्म दिया है, अगर आप फरमाएं तो मैं इन पर तूफान बर्पा करके इनको तहस नहस कर दूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया, ऐ फरिश्तो ऐसा करने से बाज रहो। हजरत सैयदना हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सोए हुए चौकीदारों की तरफ इशारा करते हुए बारगाह रिसालत में अर्ज की, नाना जान, ये जो सोए हुए हैं यही वो लोग हैं जो मेरे भाई हुसैन के सर अनबर को लाए हैं और यही निगरानी पर भी मुकर्रर हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे रब के फरिश्तों, मेरे बेटे के कत्ल के बदले में इनको कत्ल करो। तो खुदा की कसम मैंने देखा कि चंद ही लम्हों में मेरे सब साथी ज़बह कर दिए गए। फिर एक फरिश्ता मुझे ज़बह करने के लिए बढ़ा तो मैंने पुकारा, ऐ अबुल कासिम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, मुझे बचाइए और मुझ पर रहम फरमाइए, अल्लाह करीम आप पर रहम फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से फरमाया, इसे रहने दो। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे करीब आकर फरमाया, तो उन 70 आदमियों में से है जो सर लाए थे। मैंने अर्ज की, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे कंधे में डालकर मुझे मुंह के बल गिरा दिया और फरमाया, अल्लाह पाक तुझ पर ना रहम करे और ना तुझे बख्शे, अल्लाह पाक तेरी हड्डियों को नारे दोज़ख में जलाए। तो ये बजा है कि अल्लाह पाक की रहमत से ना उम्मीद हूं। बाग जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐ ज़हे किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। हुब्बे जाहो माल बहुत ही बुरा बवाल है मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, दो भूखे भेड़िए बकरियों में छोड़ दिए जाए वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि माल व मर्तबे का लालच इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाता। यजीद पलीद माल व जाह की मोहब्बत ही की वजह से सानी हाय हाय ला करबला यानी करबला के खौफनाक किस्से के वुकू का वायस बन जाता। इस जालिम बद अंजाम को इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात गिरामी से अपने इक्तदार को खतरा महसूस होता था, हालांकि सैयदना इमाम अली मकाम को दुनिया ना पायदार के हसूल के लिए दुनिया भी इक्तदार से क्या सरोकार था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो कल भी उम्मत मुस्लिमा के दिलों के ताजदार थे, आज भी हैं और रहती दुनिया तक रहेंगे।
ना शमिर ही का वो सितम रहा, ना यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रिवायत है कि नबियों के सरदार मदनी मक्की आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। यजीद पलीत का दिल चूंकि दुनिया ना पायदार की मोहब्बत से सरशार था, इसलिए वो शोहरत और इक्तदार की हवस में गिरफ्तार हो गया और इस हवस ने उसे उसके अंजाम से गाफिल करके इमाम अली मकाम और आपके रुफका के खून नहक करवाने तक पहुँचा दिया। जिस इक्तदार की खातिर उसने करबला में जुल्म सितम की आंधियां चलाईं, वो इक्तदार उसके लिए कुछ ज्यादा ही ना पायदार साबित हुआ। बदनसीब यजीद सिर्फ 3 बरस 6 माह तक हुकूमत पर शैतनत यानी शरारत व खबासत करके रबीउल अव्वल शरीफ 64 सन हिजरी को मुल्क के शाम के शहर हिम्स के इलाके हुवारीन में 39 साल की उम्र में मर गया। वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है, ऐ खाक बता जोरे यजीद कहाँ है। यजीद पलीत की वो चंडाल कोकड़ी यानी फसादी ग्रुप जिसने मैदान करबला में गुलशन रिसालत के मदनी फूलों को खाक खून में तड़पाया था, उनका भी इबरतनाक अंजाम हुआ। यजीद पलीत के बाद सबसे बड़ा मुजरिम कूफे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था। इसी बदमहात के हुक्म पर इमाम अली मकाम और आपके अहले बैत किराम को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया था। नारंगी दुनिया यानी दुनिया के धोखे का तमाशा देखिए कि मुख्तार सकफी की तरकीब से इब्राहिम बिन मालिक अश्तर की फौज के हाथों दरिया फरात के किनारे सिर्फ 6 बरस के बाद यानी 10 मुहर्रम अल हराम 67 सन हिजरी को इब्ने ज़ियाद बदनहात इंतहाई जिल्लत के साथ मारा गया। लश्करियों ने उसका सर काट कर इब्राहिम को पेश कर दिया और इब्राहिम ने मुख्तार के पास कूफा भिजवा दिया। जब सरे महशर वो पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। दारुल इमारत कूफा को आरास्ता किया गया और उसी जगह इब्ने ज़ियाद बदनहात का सरे नापाक रखा गया, जहां 6 बरस कबल इमाम अली मकाम का सरे पाक रखा गया था। इस बदनसीब पर रोने वाला कोई नहीं था बल्कि इसकी मौत पर जश्न मनाया जा रहा था। ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना उमर बिन उमैर से रिवायत है कि जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर मैं उसके साथियों के सरों के लाकर रखा गया तो मैं उनके पास गया, अचानक गुल पड़ गया, आ गया आ गया, मैंने देखा कि एक सांप आ रहा है, सब सरों के बीच में होता हुआ इब्ने ज़ियाद के नापाक नथनों में दाखिल हो गया और थोड़ी देर ठहर कर चला गया, हत्ता कि गायब हो गया। फिर गुल पड़ा आ गया 2 या 3 बार ऐसा ही। इब्ने ज़ियाद इब्ने साद शमीर कैस इब्ने अशअस किंदी खौला इब्ने यजीद सिनान इब्ने अनस नखई अब्दुल्ला इब्ने कैस यजीद बिन मालिक और बाकी तमाम अशकिया जो हजरत सैयदना इमाम अली मकाम के कत्ल में शरीक थे और साई यानी कोशिश करने वाले थे, तरह तरह की उकूबतों यानी अजियतों से कत्ल किए गए और उनकी लाशें घोड़ों की टापों से पामाल कर गए। कब तलक तुम हुकूमत पे तराओगे, कब तक आखिर गरीबों को तड़पाओगे, जालिमों बाद मरने के पछताओगे, तुम जहन्नम के हकदार हो जाओगे। मुख्तार सकफी ने चुन चुन कर यजीदियों का सफाया किया, जालिम को क्या मालूम था कि खूने शहदा रह आए और सल्तनत के पुर्जे उड़ जाएंगे। हर एक शख्स जो कत्ल इमाम में शरीक हुआ तरह तरह के अजाबों से हलाक हुआ, वही फरात का किनारा होगा, वही आशूरे का दिन, वही जालिमों की कौम होगी और मुख्तार के घोड़े उन्हें रोते होंगे। उनकी जमातों की कसरत उनके काम ना आएगी, उनके हाथ पांव काटे जाएंगे, घर लूटे जाएंगे, सूलियां दी जाएंगी, लाशें सड़ेंगी और दुनिया में हर शख्स तुफ तुफ करेगा। उनकी हलाकत पर खुशी मनाई जाएगी, मार के जंग में अगरचे उनकी तादाद हजारों की होगी मगर वो दिल छोड़कर हिजड़ों की तरह भागेंगे और चूहों और कुत्तों की तरह उन्हें जान बचानी मुश्किल होगी। जहाँ पाए जाएंगे मार दिए जाएंगे, दुनिया में कयामत में इन पर नफरत व मलामत की जाएगी, दुनिया में कयामत में इन पर नफरत व मलामत की जाएगी। देखे हैं ये दिन अपने ही हाथों की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। अपने बारे में अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर को कोई नहीं जानता कि क्या है। मुख्तार सकफी जिसने कातिल
कातिली ने हुसैन को चुन चुन कर मारा और मुहिब्बी ने हुसैन के दिल जीते, मगर एक रिवायत यह है कि उसने नबुव्वत का दावा कर दिया था और कहने लगा मेरे पास वही आती है। अगर ये कॉल दुरुस्त है तो यहाँ बसबसा पैदा हो सकता है कि इतना ज़बरदस्त मुहिब्ब अहले बैत किस तरह गुमराह होकर मुर्तद हो सकता है। क्या किसी ऐसे को भी ऐसे शानदार कारनामे की तौफीक हासिल हो सकती है? तो इस बसबसे का इलाज है कि अल्लाह करीम बेनियाज है, उसकी खुफिया तदबीर से हम सभी को डरना चाहिए कि ना जाने हमारा अपना क्या बनेगा। देखिए शैतान भी बहुत ज़बरदस्त आलिम फाजिल और आबिद था, उसने हज़ारों बरस इबादत की थी मगर वो काफिर मलून हो गया। बलअम बिन बाउरा भी बहुत बड़ा आलिम आबिद जाहिद और मुस्तजाब दावात यानी जिनकी दुआएं कबूल होती हैं उनमें से था। उसको इसमें आज़म का इल्म था, अपनी जगह बैठ कर रूहानियत के सब बरश आज़म को देख लिया करता था, मगर शकावत जब गालिब आ गई यानी कि बदवक्ती जब गालिब आ गई तो बेईमान होकर मर गया और कुत्ते की शक्ल में दाखिले जहन्नम होगा। इब्ने सका जो कि ज़हीन तरीन आलिम मुनाजिर था मगर वक्त के गौस की बेअदबी का मर्तकब हो गया, बिल आखिर नसरानी शहजादी के इश्क में मुब्तला होकर क्रिश्चियन मजहब कबूल करने के बाद जिल्लत की मौत मर गया। अल्लाह पाक ने अपने हबीब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमाई कि मैंने यहया बिन ज़करिया के बदले 70,000 अफराद मारे थे और तुम्हारे नवासे के बदले 140,000 मारूंगा। तो तारीख शाहिद है कि हज़रत सैदना यहया बिन ज़करिया के खून नहक का बदला लेने के लिए अल्लाह पाक ने बुख्ते नसर जैसे जालिम को मुकर्रर किया जो खुदाई का दावा करता था। इसी तरह हज़रत इमाम आली मकाम के खून नहक का बदला लेने के लिए अल्लाह पाक ने मुख्तार सकफी जैसे कज़ाब यानी बहुत बड़े झूठे को मुकर्रर किया। अल्लाह करीम अपनी मसलतें खुद ही जानता है, वो अपनी माशियत यानी मर्जी से जालिम के ज़रिए भी जालिम को हलाक करता है। चुनांचे पारा 8 सूरतुल अनाम आयत 129 में इरशाद होता है, इसका तर्जुमा है, और यूं ही हम जालिमों में से एक को दूसरे पर मुसल्लत करते हैं बदला उनके किए का। और हुजूर पुरनूर शफात फरमाने वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह पाक इस दीन इस्लाम की मदद फाजिर यानी नाफरमान इंसान के ज़रिए भी करा करता है। तो अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से हमें हर वक्त डरते रहना चाहिए, अपने इल्मियत शान और शौकत और जिस्मानी ताकत पर घमंड यानी तकब्बुर से बचना और फूफा यानी अकड़ दिखाने से परहेज करना ज़रूरी है कि ना मालूम इल्मे इलाही में हमारा क्या मकाम है, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान बर्बाद हो जाए। ईमान की हिफाजत के लिए कुड़ने का जहन बनाने इश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम बस सहाबा व अहले बैत पाने, दीनी मालूमात बढ़ाने, अपने आप को बुराई से बचाने, नेकियां अपनाने और खूब खूब सवाब पाने खातिर तमाम इस्लामी भाइयों को चाहिए कि हर माह कम अज़ कम 3 दिन के लिए दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों में अशकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफ़र फरमाएं। या अल्लाह पाक शाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम शहीद मजलूम इमाम आली मकाम और जुमला शहीदान असीरान करबला का वास्ता, हमारा ईमान सलामत रख, हमें कब्र हश्र में अमान बख्श और हमारी बेहिसाब मगफरत फरमा। या अल्लाह पाक हमें ज़ेर गुम्बद खजरा जलवाए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ईमान व आफियत के साथ शहादत जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।